नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ तुषार। देश और दुनिया में रोजाना कई अजीब लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन कैसा हो अगर एक साथ 1000 लोग अजीब सी हरकतें करने लगे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ के पॉटस्डैमर प्लैट्स रेलवे स्टेशन पर एक अजीबोगरीब घटना में 1000 लोगों को कुत्ता बनते हुए देखा गया। बाकी लोगों ने अचानक ये सब देखा तो वो काफ़ी चौंके हुए नज़र आते हैं। यहाँ और भी अजीब बात यह है कि ये सारे लोग आपस में भौंककर बातचीत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो इन सभी के अंदर एक साथ कुत्ते की आत्मा आ गई हो। इन सभी लोगों ने अपने चेहरे पर कुत्ते वाले मास्क लगाए हुए थे। जिसने भी इन्हें देखा उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये सभी लोग अचानक कुत्ते कैसे बन गए। डेली मेल की खबर के अनुसार ये तथाकथित ट्रांस प्रजाति के लोग दावा करते हैं कि वे वो इंसान हैं जो जैसे महसूस नहीं करते, बल्कि उन्हें कुत्ता होने वाले जैसा महसूस होता है। साथ ही ये लोग ऐसा महसूस करने वाले लोगों के अधिकारों के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये सभी लोग जापान के उस शख्स टोको की तरह ही लग रहे हैं, जिसने कुछ समय पहले ही $14,000 खर्च करके अपने आप को कुत्ता बनाने का शौक पूरा किया था। वो आज भी कुत्ता बनकर अपने सपने को जी रहा है। उसने हाल ही में ये कहा था कि वह अपने जैसे सोच वाले लोगों से मिलना चाहता है। खैर, इस मीटअप को कैमरे में कैद भी किया गया तो अजीब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो पर लोगों ने ढेरों कमेंट किए और हैरानी जताई कि भला कोई कुत्ता कैसे बन सकता है। एक शख्स ने कमेंट किया, अगर ये लोग कुत्ते हैं तो मास्क लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। एक यूज़र ने हैरानी जताई कि क्या सच में इतने लोग कुत्ते जैसे महसूस करते हैं या फिर ये कोई खेल चल रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों ने इसे बेवकूफ़ी और ध्यान खींचने के बेतुके तरीके करार दिया। अब कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।